कोई चुंबकीय शक्ति? क्या वैक्सीन लगवाने से शरीर में चुंबकीय शक्तियां आ जाती हैं? सोशल मीडिया से देश भर में ऐसी अफवाह जंगल की आग की तरह फैली तो शहर शहर लोगों ने इसे आजमाना भी शुरू कर दिया और पाया कि शरीर से सिक्के, चम्मच, चाबी, मोबाइल, धातु की चीजें चिपक रही हैं। इस शो में हमारे साथ होंगे कई मेडिकल एक्सपर्ट जो हमें बताएंगे कि शरीर से धातु की चीजें चिपकने की आखिर वजह क्या है, क्या इसका वैक्सीन से कोई रिश्ता है या इसकी कोई वैज्ञानिक वजह है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं शहर शहर से आई ये रिपोर्ट। ये शरीर है या मैग्नेटिक फील्ड? सिक्का, चम्मच, छुरी, कांटा, बर्तन, मोबाइल फोन, शरीर से धातु की जिस भी चीज को लगाओ वो चिपक रहा है। कठुआ के कृपाल नगर में रहने वाले बुजुर्ग ठाकुर किरणपाल सिंह इन दिनों देश भर में सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया में जब उनके बेटे ने वैक्सीन में कथित रूप से चुंबकीय शक्ति वाला वायरल वीडियो देखा तो पिता पर आजमाने की कोशिश की। बाप बेटे की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब धातु चीजें शरीर से चिपकती चली गई। अंदर से स्पून लाए तो मेरे शरीर पे लगाने लगे तो वो लगने लगे। उसके बाद मैंने कहा जो ताले की चाबियाँ होती हैं वो लगाओ, वो भी लगाई, वो भी लगने लगी। मैंने कहा पुराने सिक्के निकालो जिसके हम बचपन से शौक रखते हैं और इकत्र करते हैं, फिर बोल निकाले, हमने बोल गारे सभी लग गए हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव नगर निगम के वार्ड नंबर 23 की कांग्रेस पार्षद सुनीता फडणवीस का शरीर भी कथित तौर पर चुंबक बन चुका है। पति ने जब सोशल मीडिया में वायरल वीडियो के बारे में बताया था तब यकीन नहीं था, लेकिन जब खुद पर आजमाया तो नतीजे देखकर हैरान रह गई। सेकेंड डोज है 28 दिन के बाद, सेकेंड डोज मई को लगाई तो हमारे यहाँ के सर पढ़ रहे थे पेपर पढ़ने के बाद मैंने बोला ये सब झूठ है जी, कुछ भी बोलते हैं वैक्सीन लगाने के बाद ऐसे होता है करके, फिर मैं बोली हूँ। फिर मैं पूजा करते करते वहाँ कॉइन पड़े थे, कॉइन को हाथ में चिपकाई तो वाकई वो जो कॉइन चिपकने लगा। भीलवाड़ा के गोविंदपुरा गांव की लाली देवी ने 3 दिन पहले ही टीका लगवाया। सोशल मीडिया में वायरल खबर के बाद भी उन्होंने भी वहाँ पर इसे आजमा कर देखा और देखिए 4 चम्मच किस तरह वहाँ से चिपके हुए हैं। आसनसोल नगर निगम में डाटा एंट्री का काम करने वाले अंकुश कुमार सौ भी कम हैरान नहीं है। इसी महीने 8 तारीख को कोवैक्सीन की डोज ली थी और देखिए कैसे फेंकते ही चम्मच सीने से चिपक रहा है। सिलीगुड़ी के भरत नगर निवासी नेपाल चक्रवर्ती लोगों के इन सवालों का जवाब दे देकर परेशान है। वो देश के उन चुनिंदा लोगों में है जिन्हें लग रहा है कि वैक्सीन लगने के बाद उनमें चुंबकीय शक्ति आ गई है। सीकर के राजकुमार सोनी ने 16 मई को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी, तब से अब तक उन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। एक वायरल वीडियो देखने के बाद जब उन्होंने खुद पर इसकी आजमाइश की तो शरीर से लोहे के बने सामान चिपकता देख हैरान रह गए। राजकुमार के शरीर से बर्तन चिपक गए और तो और मोबाइल भी उनके शरीर से चिपक गया। माथे पे, बाजू में, पेट पे, सभी जगह चम्मच है, थाली है, प्याली है, ये सब चिपक रही थी, मोबाइल वगैरह सब चिपक रहे हैं। और वैसे हमारे खाने पीने में, सोने में कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के कोटा में रहने वाले सज्जन सिंह के शरीर से भी चम्मच और पेन ड्राइव ऐसे चिपक रहे हैं जैसे चुंबक से लोहा चिपकता है। सज्जन सिंह ने 24 मई को कोरोना का टीका लगवाया था। शरीर में सिक्का, मोबाइल चिपकने का राज क्या है? क्या शरीर से धातु की चीजें चिपकने का कोरोना वैक्सीन से कोई कनेक्शन है? क्या सिर्फ कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के शरीर से धातु की चीजें चिपक रही हैं या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? इन सवालों का जवाब हर किसी के मन में है। आज तक ब्यूरो। तो तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पहली डोज के बाद ऐसा हुआ, कुछ लोग कहते हैं दूसरी डोज के बाद ऐसा हुआ। अब ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर सबसे बड़ा ये है कि इसको सीधे कोरोना वैक्सीन के साथ जोड़ा जा रहा है। क्या वैक्सीन लगवाने से इस तरह किसी के शरीर पर
चीजें चिपकनी शुरू हो जाती हैं या फिर नहीं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ होंगे। बहरहाल आज तक संवाददाता पंकज खेलकर ने भी इसे खुद पर आजमाया है, तो ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दूसरों के वायरल वीडियो देख मुझे भी लगा कि वैक्सीन के दोनों डोज तो मैंने भी ले रखे हैं, क्या ऐसा मेरे साथ हो सकता है? तो मैंने कुछ सिक्के, चम्मच, यहाँ तक के नेल कटर भी अपने त्वचा पर लगाने की कोशिश की। आश्चर्य तब हुआ कि ये सारी चीज़ें मेरे बदन से चिपक गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने डॉक्टरों से जानने की कोशिश की कि इसकी वजह क्या है, क्या ये वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट है? तो डॉक्टर ने बताया कि ना तो आपके शरीर में कोई चुंबकीय शक्ति आई है, ना ये वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट है। ये तब होता है जब किसी किसी के त्वचा में इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, और उस वजह से ऐसी वजन में हल्की चीज़ें आपके स्किन से चिपक जाती है। पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। तो मेरे से होगी पंकज खेलकर, क्योंकि इस तरह की तमाम खबरें आ रही थी हमारे पास, तो कोशिश हमने ये की कि क्यों ना हमारे संवाददाता इस बात को ट्राई करके देखे। तो पंकज की रिपोर्ट आपने देखी, उन्होंने कहा कि पहली बात तो इस पर यकीन नहीं हो रहा था, अब यकीन करने के लिए इसको खुद पर आजमाया गया तो चीजें चिपक रही हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्यों हो रहा है। पहले परिचय, मेरे साथ डॉक्टर कौशल वर्मा है, डॉक्टर शैलेश जैन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर बी के त्यागी जी मौजूद हैं, और साथ ही डॉक्टर विशाल गुप्ता हमारे साथ है। सबसे पहले डॉक्टर कौशल, ये क्या है, वैक्सीन के बाद क्या शरीर पर चीजें चिपकेंगी, क्या इसको हम वैक्सीन से जोड़े या फिर नहीं, क्योंकि पहली नजर में तो देख के यकीन नहीं होता है। जी देखिए, वैक्सीन अभी तक जो देखा गया है कि ये करोड़ों करोड़ों लोगों को लग चुकी है, और वैक्सीन में ऐसा कुछ भी, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें कोई मैग्नेटिक पावर हो या इसमें कोई ऐसा मैग्नेटिक तत्व हो जो कि शरीर के अंदर जाता हो और जिसकी वजह से चीजें चिपकती हैं। इसको वैक्सीन के साथ जोड़ना तो मुझे लगता है बिल्कुल ही गलत है, और जिन लोगों को इस तरीके की परेशानी हो रही है या जिन्होंने ये देखा है कि वैक्सीन लगाने के बाद में उनको इस तरीके की फीलिंग आ रही है या इस तरीके का उनको लग रहा है कि चीज़ें चिपक रही हैं, इसकी जांच हो सकती है, इसको इसका वैज्ञानिक कारण ढूंढा जा सकता है कि क्यों हो सकता है, लेकिन इसको वैक्सीन के साथ में नहीं लिंक कर सकते। चलिए, पहली बात तो क्लियर आपने कर दी है। अभी तक इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, अभी तक इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है कि यह वैक्सीन से रिलेटेड है। ठीक है, पहली बात आपने क्लियर कर दी कि वैक्सीन से एटलीस्ट ये रिलेटेड नहीं है। अब आपने कहा कि इसका कोई और वैज्ञानिक पहलू हो सकता है, मैं एक बार, क्योंकि तमाम दूसरे मेहमान भी हमारे साथ हैं, हम उनकी भी राय लेना चाहेंगे, क्योंकि इसका वैज्ञानिक, इसके पीछे क्या कुछ हो सकता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर शैलेश जैन, वैक्सीन से इसको जोड़ा जाए या नहीं, आप क्या समझते हैं, क्योंकि तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे। इसको हम बोलते हैं ह्यूमन मैग्नेटिज्म। ह्यूमन मैग्नेटिज्म अगर वैक्सीन की वजह से हो रहा है तो दो ही वजह हो सकती है। पहला, या तो आपकी वैक्सीन के अंदर मेटल बेस्ड कंपोनेंट हो, या वैक्सीन ने जाके अंदर मैग्नेटिक रिएक्शन किया। तो पहला, मेटल बेस्ड कंपोनेंट के बारे में हमें पता है कि वैक्सीन में कोई मेटल बेस्ड कंपोनेंट नहीं है। दूसरा, हमें बिल्कुल पता है कि जाके ये मैग्नेटिक रिएक्शन कोई नहीं करती है। अब तीसरी बात हम जो कर रहे हैं, जो लोगों के सिक्के जुड़ रहे हैं या स्पून छाती पे लग रही है, तो वो तीन वजह से नॉर्मली होता है। पहला हम बोलते हैं या तो सरफेस टेंशन है, या सरफेस फ्रिक्शन है, या ये बेसिकली सरफेस ऑयल की वजह से हो रहा है। और ये आप ये देखिएगा उन लोगों में ज्यादा होगा जिनके शरीर पे बाल नहीं होंगे। मैं आपसे एक नवजोत एक रिक्वेस्ट करूंगा, खुद के कॉरेस्पॉन्डेंट का अभी रिपोर्ट दिखाया था, उसको बोलिए यही सिक्का वो पाउडर लगा के अपने शरीर पे लगाने की कोशिश करे, लगता है कि नहीं लगता है, वो डेफिनेटली नहीं लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज आप नोट कीजिएगा, जिन लोगों को सिक्के, चम्मच, थाली लग रही है, उनके आप बाकी आप उनको ट्राई कीजिए, जैसे पोर्सलिन ट्राई कीजिए, लकड़ी ट्राई कीजिए, या फिर वुड का कोई सामान ट्राई कीजिए, आप देखेंगे वो भी उसको उनके ऊपर चिपकता है। ह्यूमन मैग्नेटिज्म के बारे में सदियों से चला आ रहा है। इनफैक्ट एक जॉर्जिया के पर्सन थे जिनका नाम गिनीज बुक के अंदर रिकॉर्ड है कि इन्होंने सबसे ज्यादा चम्मच अपनी बॉडी से चिपका ली थी। तो ह्यूमन मैग्नेटिज्म का आज तक हमें कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है कि ह्यूमन मैग्नेटिज्म नाम की कोई चीज होती है, बट डेफिनेटली देयर आर सम एक्सेप्शन इन द हिस्ट्री जिसके अंदर ये पाया गया है कि मैग्नेट जुड़ता है ये, बट इसको वैक्सीन से जोड़ना एक निराधार है, जैसे वैक्सीन के लिए बाकी अफवाह चल रही है उसी तरीके की अफवाह है। देखिए, अफवाहें तो डॉक्टर साहब यहाँ तक चल रही हैं, लोग कहते हैं पहली वैक्सीन के बाद हुआ, फिर कहते नहीं हमने दोनों वैक्सीन लगवा ली उसके बाद हुआ। हमारे साथ डॉक्टर बी के त्यागी जी मौजूद है, आपका क्या मानना है त्यागी जी, बताइए।
देखिए मुझे लगता है कि नवजोत जी की वैक्सीन से तो इसका कुछ कनेक्शन है नहीं, और ये हमें बिल्कुल क्लियर रहना होना पड़ेगा इस बात में कि ये बिल्कुल अफवाह के रूप में जो है ये बात सामने आ रही है। और क्योंकि कुछ कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, जैसा कि अभी मैं शैलेश जी ने भी बताया कि ह्यूमन मैग्नेटिज्म वाला, क्योंकि वो एक मिथ है, तो इसको जिस तरीके से मतलब रिपोर्ट में, क्योंकि जो जो रिपोर्टर ने जिस तरीके से देखा है शायद उसको एक बहुत क्रिटिकली एग्जामिन नहीं किया, वो उसको कहते हैं ना कि अगर इसको एक प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाए तो पता लग जाएगा। क्योंकि ये पॉसिबिलिटी कुछ लोगों में आपने देखा हो कि गाँव देहात में जो मेले लगते हैं वहाँ पे वो लगता होता है ना बिजली से, मतलब वो एक कोई करेक्टर बैठा होता है और वो बल्ब पकड़ता है वो जल जाता है या ट्यूबलाइट जल जाती है, बट वो कहीं ना कहीं एक स्टैटिक एनर्जी उनकी बॉडी में किसी तरीके से जनरेट हो रही होती है, और वो जब वो पकड़ते हैं तो वो उस तरीके की लाइट जल जाती है। तो एक हमारी बॉडी में जो मैग्नेटिक जो तत्व है वो सिर्फ होमोग्लोबिन में है, लेकिन वो इतना नहीं है कि इतनी सारी चीज़ों को चिपका सके। तो मुझे लगता है कि जो अभी बात हुई है या तो सरफेस इंजीनियर या बॉडी ऑयल, मुझे लगता है कि एक बार जो अपने रिपोर्टर है उनको कहिए कि जो जो सज्जन ये आपको डेमो करके दिखा रहे हैं उनको एक बार ही कहें कि वो पूरा साबुन से अपनी बॉडी को धो लें और फिर करके देखें कि क्या इस तरीके की चीज होती है। मुझे लगता है बिल्कुल नहीं होगी, और वैक्सीन से तो इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि वैक्सीन में कोई मैग्नेटिक जो एलिमेंट है या तत्व नहीं है, उसका कोई कारण ही नहीं होता। और वैक्सीन अगर लगी है तो वो एक लोकलाइज जगह पे उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली होना चाहिए, लेकिन ये अगर पूरी बॉडी में हो रहा है तो कारण जो है वो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बिना इन्वेस्टिगेशन के एज ए साइंटिस्ट आई कैन नॉट रीच टू एनी कंक्लूजन। तो ये कारण ढूंढा जा सकता है, बट वैक्सीन की वजह से तो बिल्कुल नहीं, ये क्लियर है। तो इसको मतलब इसी नजर से फिर डॉक्टर त्यागी इसी नजर से देखिए कि वैक्सीन को लेकर बेसिकली भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ हैं। वैक्सीन को लेकर मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी बहुत सारे नरेशन जो हैं चल रहे हैं, कभी कहीं कोई कह रहा है लोग कि इसको लगाने से नपुंसकता आ जाएगी, मर जाएंगे लोग, डर के भाग रहे हैं। तो एक तरीके का माहौल जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, जिसको मास हिस्टीरिया हम कहते हैं वैक्सीन को लेके, क्योंकि उसमें मैं देखता हूँ कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं कुछ उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से एक रोल नहीं निभाया है, एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात बोल दी है, और उनके जो फॉलोअर्स हैं कहीं ना कहीं वो उस तरीके से बात पेनिट्रेट हुई है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पूरी दुनिया एक चीज से जूझ रही है, और हमें बहुत रिस्पॉन्सिबल होके अपना स्टेटमेंट देना चाहिए, ताकि जो हम लोगों को जिनके लिए हम मैटर करते हैं वो अगर उस बात को लेते हैं और गलत पर्सपेक्टिव में ले ली तो इस तरीके के हालात जो है वो होने के चांसेस है। और देखिए कि जो गाँव में या जो देहात में ये इस तरीके के इंसिडेंट्स ज्यादा हो रहे हैं, बिल्कुल, और वो तस्वीरें और वो लगातार स्टोरीज हम डॉक्टर साहब दिखा भी रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, सब लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। देखिए पहली बात, दो चीजें तो क्लियर है, वैक्सीन से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, और जिस तरीके से डॉक्टर शैलेश ने भी कहा कि पाउडर लगाने के बाद आप चिपका कर देखिए, ऐसा नहीं होगा। या फिर अभी डॉक्टर त्यागी बता रहे थे कि आप अगर ऐसे कोई करता है तो जाकर नहाइए और फिर उसके बाद चिपका कर देखिए, ऐसा नहीं होगा। मैं आपकी राय इस पर जानना चाहूंगी। देखिए जी, मैं मेरा भी यही मानना है बिल्कुल कि मेरी जो वैज्ञानिक समझ है उसके हिसाब से ऐसा वैक्सीन के अंदर कोई तत्व नहीं है, या वैक्सीन की वजह से ऐसा होने का कोई कारण नजर नहीं आता कि क्यों ऐसा वैक्सीन की वजह से हो जाना चाहिए। और इस बात का मैं सबूत आपको देता हूँ, मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ जी, और हम लोग जो MRI स्कैन करते हैं पेशेंट के, तो इसके अंदर बहुत स्ट्रांग चुंबकीय शक्ति जो मैग्नेट होता है MRI के अंदर, लगभग 3 टर्म मैग्नेट, अगर मैं उसको आपको बताऊं तो ये बहुत स्ट्रांग मैग्नेट होता है, जो जो पृथ्वी की अपनी मैग्नेट फील्ड है उसका 10,000 गुना जो स्ट्रांग होता है ये। तो हमने पेशेंट्स को वैक्सीन नहीं लगी, जिनको एक लगी या डोज लगी उनसे उन लोगों ने MRI की। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज हम ठीक से नहीं सुन पा रहे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप बताना चाह रहे हैं, मैं लौटती हूँ डॉक्टर साहब आपके पास। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि डॉक्टर विशाल गुप्ता हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम एग्जांपल दे सकते हैं, चलेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें देखिए, भ्रम किस तरीके से फैलाया जा रहा है। बाकायदा कोई लोग कहते हैं कि हमने पहली वैक्सीन की डोज ली तो उसके बाद इस तरह से
चीजें चिपकने लगी शरीर पर। कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि हमने दो डोज तक ले ली, लेकिन देखिए डॉक्टर्स और वैज्ञानिक सभी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इसी पर हम बात कर रहे हैं कि क्या पहली बात इसको वैक्सीन से जोड़ना चाहिए या नहीं, और दूसरी बात अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे साइंटिफिक कारण क्या हो सकता है। डॉक्टर विशाल गुप्ता अपनी बात पूरी कीजिए। जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि जो हम लोग MRI करते हैं स्कैन, उसके अंदर बहुत स्ट्रांग एक मैग्नेटिक फील्ड होती है वहां पर। तो जो पेशेंट जिसको वैक्सीन नहीं लगी है या जिसको एक डोज लग गई या दोनों डोज लग गए, उन पेशेंट दे बिहेव, वो लोग बिल्कुल सामान्य तरीके से उस मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव करते हैं। मतलब हमें कोई डिफरेंस नहीं पता चलता कि पेशेंट को वैक्सीन नहीं लगी हुई है या इसे एक डोज लगी है या इसे दो डोज लगी है। अगर वैक्सीन की वजह से कुछ ऐसी चुंबकीय शक्ति मरीज के अंदर आ रही होती तो उसको डिफरेंटली बिहेव, उसको एक फर्क तरीके से बिहेव करना चाहिए था जब हम उसको एक चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाएंगे तो। बट ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, तो मुझे मतलब दूर दूर तक ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं लगती कि वैक्सीन की वजह से ऐसा क्यों हो जाना चाहिए कि उसके अंदर चुंबकीय शक्ति आ जाएगी। जी, तो चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। पहली बात, भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, वैक्सीन से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। कारण इसका क्या हो सकता है ये हमने डॉक्टर से जानने की कोशिश की है। इस बीच ये सारी तस्वीरें देखिए, पूरे हिंदुस्तान से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लोग दावे कर रहे हैं वैक्सीन ली उन्होंने पहली डोज के बाद या फिर दोनों डोज के बाद किस तरीके से उनके शरीर में वो चुंबकीय शक्ति आ गई। कहीं मोबाइल फोन चिपक रहे हैं, कहीं चम्मच चिपका कर लोग बता रहे हैं, सिक्के चिपक रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, यानी सीधे तौर पर ये है डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों का यही मानना है कि इसका कम से कम वैक्सीन से तो कुछ भी लेना देना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा भतीजे की लड़ाई सड़क पर आई। जी हां, लंबे इंतजार के बाद चिराग पासवान की एंट्री, स्पीकर ओम बिरला से मिलेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि ये सारी खबर हम 1:30 बजे आपको दिखाएंगे हमारे खास शो में, लेकिन उससे पहले किस तरीके से वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है वो तस्वीरें भी देख लीजिए। लगातार शरीर पर क्यों चिपकने लगे हैं सिक्के और चम्मच, इसको लेकर हमने चर्चा भी की। लोगों का ये कहना है कि वैक्सीन की वजह से ऐसा हो रहा है, वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद भी ऐसा हुआ, दूसरी डोज लेने के बाद भी अचानक से ये फील होने लगा किस तरह की कोई चुंबकीय शक्ति उनके शरीर में आ गई है।